तो आज हो रही थी झमाझम बारिश, और इस बारिश में कुछ चटपटा खाने का मन तो करता है। तो चलिए बनाते हैं आज पकौड़े। तो ये 2 आलू को मैंने मैश कर लिया, इसमें प्याज, रेड चिली पाउडर, धनिया, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छे से हमने पेस्ट तैयार कर लिया। फिर हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी बेसन, इसमें डाल देंगे अजवाइन, स्वादानुसार नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हींग, धनिया पाउडर और चाट मसाला। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी थिक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये घोल हमारा तैयार हो गया है। फिर हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम लेंगे अनियन, और इसके अनियन को कट करके इसकी रिंग्स निकाल लेंगे, और इन रिंग्स में जो हमने आलू का मसाला बनाया था उसको भर देंगे। इस तरह से हम सारे रिंग्स तैयार कर लेंगे। अब हम अपना देख लेते हैं, घोल हमारा तैयार है। तेल को गरम करेंगे, फिर हम ये अनियन रिंग्स घोल में डिप करके अच्छे से कोट कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे रिंग्स डाल देंगे। इनको उलटते पलटते हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो हमारे पकौड़े बनकर तैयार हैं। अब हम निकाल लेते हैं इनको सर्विंग प्लेट में। ऊपर से हम रख देंगे फ्राई की हुई ग्रीन चिली और हरी चटनी, और सॉस के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।